में ही थे ना, तो उन्होंने मुझसे मांग, एक मेरे रोहित पुराने लर्नर की राहुल की, जो उसका भी जेरअप हो चुका है, उसने ही आपको मेरा रिकमेंड किया था। अच्छा है, चेन से डेफिनेटली चेन बनती है, ऐसे आप आगे रिकमेंड करोगे तो आगे बच्चों की जेरअप होनी है। मैंने मेरे सारे स्टूडेंट्स को बोल दिया मैम जो भी अच्छा नेट दे रहे सबको बोल दिया जी, सो फ्रेंड्स अभी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देवेंद्र जी हैं, तो देवेंद्र आपने हिस्ट्री में जेरेफ निकाला है, तो आपका ये स्ट्रेटेजी कैसा था, कैसे पढ़ाई करी आपने? जी मैम। मेरा मैं अगर एक्सपीरियंस बताऊं हिस्ट्री के मामले में, तो मैं लगातार लगभग 1-1.5 साल से हिस्ट्री सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ हूं। लगातार इसको लगातार स्टडी कर रहा हूं, और इसके साथ जो अभ्यास प्रश्न होते हैं उनको, जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स है मुख्यतया, उनको मिला रहा हूं। और उसने मुझे, मतलब सब्जेक्ट ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। अच्छा, मतलब आपको लगता है कि आपका अपने हिस्ट्री में ज्यादा अच्छे स्कोर आपने किया है ना? नहीं मतलब जेआरएफ के लिए तो इम्पोर्टेंट है दोनों ही पेपर। फर्स्ट पेपर भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इसमें लीड नहीं लेते हो तो आप 100% कहीं ना कहीं जेआरएफ से या फिर नेट से, दोनों से ही चूक सकते हैं। परंतु सब्जेक्ट भी आपका मतलब एक मुख्य हथियार कह सकते हो आप। जो एक योद्धा का जो मतलब मुख्य हथियार होता है ना, वो एक सब्जेक्ट होता है। ग्रेट, आपका 99.56% भी आया है। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि एक दिन में कितना पढ़ना चाहिए इन बच्चों को? पूछते रहते हैं मुझसे, आपको क्या लगता है? मैम पढ़ने के लिए कोई घंटे फिक्स नहीं है। मेरे हिसाब से जितना आपकी इच्छाएं हैं कि आप चाहते हो जेआरएफ हो, असिस्टेंट प्रोफेसर बनो, तो आप जितने घंटे निकाल सकते हो। मैं मेरा बताऊं तो लगभग 10-12 घंटे वैकेंसी से कुछ 5-6 महीने पहले मैंने एक दो असफलताएं जरूर देखी है, परंतु मैं प्रयासरत हूँ लगातार। कम से कम 10 से 12 घंटे अनिवार्य है मेरे हिसाब से, अगर अच्छा विद्यार्थी, सफल विद्यार्थी बनना है। बाकी तो अलग अलग IQ स्तर होता है सबका, मेरा तो इतना नहीं है, यादा क्षमता अपनी अपनी होती है, कम से कम है। बाकी पढ़ने वाले तो 15-15 घंटे तक पढ़ते हैं, ऐसा कुछ नहीं। हाँ जी, ऐसा ही होता है। बस बेसिकली आप अगर आप मुझे इसलिए बताइए। लंबे समय तक तैयारी कर रहे हैं तो कम से कम 10 घंटे आप जरूर सब्जेक्ट और अन्य जिसके बारे में आप पढ़ रहे हैं उस सिलेबस से संबंधित आपको पढ़ना ही होगा मेरे ठीक ख्याल से। है, थैंक यू जी। अभी आपके पास वापस आते हैं जी। डिसोजा जी, आपने कैसे तैयारी करी थी? सो मैम आई हैव क्वाइट अ लॉन्ग स्टोरी बिकॉज मैंने पहले नेट 2010 में दिया था, और तभी मैंने नेट क्लियर किया था। दैट एंटायर फॉर्मेट वॉज डिफरेंट, क्योंकि उधर हम लोग को सब्जेक्टिव लिखना पड़ता था, थर्ड पेपर वॉज सब्जेक्टिव। तो दैट टाइम देर वॉज नो गाइडेंस, देर वॉज इट वॉज जस्ट लाइक यू लर्न बाई योर सेल्फ एंड डू इट। सो दैट्स व्हेन आई क्लियर नेट। तभी मैंने जेआरएफ दिया नहीं था, एंड देन आई कंटिन्यूड वर्किंग। आई वर्क फॉर अराउंड 10 ईयर्स, एंड फॉर मी द प्रॉब्लम वॉज कोविड। तो आई वॉज द वाइस प्रिंसिपल ऑफ सेंट एंड्रूज कॉलेज अर्लियर इन बॉम्बे, ओह बट वाओ, आई हैड लॉन्ग कोविड, एंड बिकॉज ऑफ लॉन्ग कोविड आई लॉस्ट माई मेमोरी। सो आई हैड समथिंग नोन एज ब्रेन फॉग। तो माई हस्बैंड पुश्ड मी टू गिव जेआरएफ, ताकि यू नो यू गेट बैक ऑल योर कॉन्सेप्ट्स एंड ऑल ऑफ दैट। सो व्हेन आई गेव पहली बार, आई थिंक आई गेव इट इन 2021। तो तभी जब मैंने प्रैक्टिस किया था, इट वॉज मोर लाइक टू गेन बैक ऑल द कॉन्सेप्चुअल नॉलेज, क्योंकि आई केम फ्रॉम यू नो अ मेमोरी लॉस प्रॉब्लम। सो वो तभी मैंने आई जस्ट मिस बाई 0.02%। तो पर मुझे बहुत खुशी हुई थी तब, बिकॉज फॉर मी इट मेंट कि भाई मेरा मेमोरी वापस आ गया, माय मानी माइज हो गया लाइक आपको। अच्छा, हाँ। फिर मैंने बोला अभी मैं जेआरएफ के लिए देती थी, आई गिव इट बिकॉज आई एम डूइंग माय पीएचडी। तो नवंबर 2022 में फिर से मैंने दे दिया। एट दैट टाइम आई एनकाउंटर्ड योर वीडियोस। सो इनफैक्ट मैम आई हैव बोला कि लेट मी चेक कैसा है। मैम बिलीव मी, आई सॉ योर वन स्टैटिस्टिक्स का क्लास, एंड स्टैटिस्टिक्स हैज ऑलवेज बीन माय वीक पॉइंट। मुझे इतने अच्छे से समझा वो स्टैटिस्टिक्स, मैं प्यार में पड़ गई आपके। बोला यार ये इतना सिंपल पढ़ाते हैं, लाइक इट्स जस्ट सो वंडरफुल। देन मैं फिर से देखती रही, देन आई बॉट योर बुक्स, एंड यू नो दैट्स व्हाट आईड लाइक टू टेल एवरीबॉडी। बट इफ यू वॉच मैम्स वीडियो, आई वॉच एवरी सिंगल वीडियो ऑफ योर्स मैम ऑन यूट्यूब। इफ यू वॉच मैम्स वीडियो वाइल रीडिंग अ बुक्स, आई थिंक उससे मतलब वो इफेक्ट डबल हो जाता है, बिकॉज यू कैन कनेक्ट। मैम क्या बोल रहे हैं, वो बुक में ही लिखा है, एंड इट्स सो वंडरफुल हाउ यू रिटन द बुक मैम, क्योंकि वो आप यू बोल्डेड द राइट थिंग्स, लाइक बोल्ड यू नो, तो वो यू नो कि ये इम्पोर्टेंट है, ये करके जाओ। देन इवन योर शॉर्टकट्स, यू आप सही बोलते हो, व्हाट यू क्लेम्ड इज एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि आप जैसे पढ़ाते हो आप वैसे ही बुक में आपने लिखा है कि ऐसे ऐसे है करके। एंड द बुक्स वॉज सो हेल्पफुल, लाइक इट वॉज जस्ट एक्सट्रीमली हेल्पफुल। और आप मतलब आगे सोचते हो, आप सिर्फ ये एग्जाम के लिए नहीं सोचते हो, एंड दैट इज अनदर प्लस पॉइंट।
तो इवन अगर जो ये एग्जाम में वो पीवाईक्यूज में आए ही नहीं रहेंगे, बट यू ऑलरेडी नो कि ओके दिस इज इन दैट लाइन, ये शायद आ सकता है. तो लाइक इवन जो बाकी लोग बोलेंगे ये तो पीवाईक्यू में नहीं था, लेकिन ये नवदीप कौर मैम की ए बुक में था. तो दैट इज ऑल्सो वेरी नाइस. और आप अपडेट भी करते हो, मतलब कोई भी बुक ऐसा अपडेट नहीं देते ऑन द ऐप, बट यू गिव द अपडेट ऑल्सो. एंड इट्स सो, आई एम टेलिंग एवरीबडी, इफ यू आर वॉचिंग मैम्स वीडियो, पिक अप द बुक, इट इज रियली वर्थ इट. आप साथ में करोगे, इट विल रियली बी लाइक स्ट्रॉन्ग इन योर हेड. So that time when I gave 2022, I prepared like that. Aapne bola practice karo, so I practiced every DI from your paper, question paper book. I practiced all the DI and maths because that was again my weak point. So logic ka bhi practice kiya, and all of that was, you know, I had a good conceptual understanding of everything. But again, I missed DRF by 0.06 percentile. So tabhi mere ko thoda bura laga, and I really wanted to tell you, lekin wo matlab teen bar net clear ho gaya, lekin DRF nahi hua. Main kya bolti thi? So I was waiting. I said, okay, maybe gaya my chance, you know, we nahi bol sakte ma'am ko, kya bolu, sir net hua, you know, like that. So I didn't message you at that time, kisi ko maine nahi bola. And then after that, I gave up because I'm already doing my PhD, I'm in my second year. And, you know, to manage stuff also with husband and all was a little difficult. But ye time, my husband said, tu dekhe aa, because of the age limit, this was the last attempt I could have made. So he just said, dekhe aa jao, fir dekhenge kya hota hai. And I gave the exam, and ma'am, believe me, I did nothing this time. I only watched that marathon video of yours for that 24 hours. And I glanced through your book. Just, matlab, 2-3 ghante mein, because maine marking kiya hua tha in the previous attempt when I had listened to all your videos and all that. So, wo aur aapka 24 hours. 2 din mein, bas wahi karke gayi, and I got this GRF. Great. So, I am extremely grateful to you and to God. Aur aap hamesha motivate karte ho. आप कुछ लाइक यू नो इवन मोस्ट यूट्यूबर्स व्हेन आई सी इवन इफ यू जॉइन देम दे विल गिव फेक इन्फॉर्मेशन दे विल एग्जैजरेट ऑन द इन्फॉर्मेशन आप जो आपको पता है कि स्टडी बच्चे लोग स्टडी कर रहे इतना ही लाइक यू नो दिस इज द इन्फॉर्मेशन डोंट वेस्ट देयर टाइम आप उतना ही देते हो अच्छा ये रिजल्ट आया बस हो गया यू नो सो या एंड आई रिमेम्बर वन ऑफ योर वीडियोज मैम समबडी सेड ये अपना प्रमोशन करती है आई रियली थिंक शी डिजर्व्स टू बिकॉज इट इज गुड कॉन्टेंट If she doesn't promote it, I don't think people are going to know how good the content is. So, yeah, ma'am, really, I am so grateful to you. Actually, अगर हम promote नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा कि ये मेरी books भी exist करती हैं? Exactly. Exist करती हैं. वो बताना exactly. किसी को तो बताना पड़ेगा exactly. या तो learners ही बताएं नहीं तो फिर मुझे ही बताना पड़ेगा. Absolutely. ये चीज़ है. Absolutely. हाँ जी. Thank you so much for explaining this much. हाँ जी. शुभम. So, आपने कैसे तैयारी की थी अपने JRF की? मैम पहले तो आपको बहुत बहुत थैंक यू मतलब बहुत टाइम से तो मैंने नहीं किया मतलब 3 महीना या 9 महीना हुआ है मेरा JRF हुआ है फर्स्ट अटेम्प्ट में थोड़ा 3 क्वेश्चन से छूट गया था पर मैंने पहले तो मतलब मेरा फर्स्ट डे अभी भी याद है मेरा सितंबर फर्स्ट से मेरा क्लास स्टार्ट किया तो उसके पहले मेरे को कुछ भी याद नहीं था मतलब क्या होता है इंटरनेट JRF क्या होता है एग्जाम इतना कुछ पता नहीं था एग्जाम होते हैं एक जस्ट ये पता था तो उसमें मैंने क्वालिफाई कर गया था पर अब जो पेपर 1 में जो नंबर होते हैं तो वो काफी खराब आए थे लाइक मेरे 26 क्वेश्चन सही हुए थे तो मेरे को लगा कि ऐसे तो JRF नहीं निकलेगा वेस्ट बंगाल सेट निकल गया सही है पर ऐसे तो JRF नहीं होगा तो मैंने सोचा कुछ भी हो जाए मैम से अभी क्लास मुझे लेना है और आपके क्लास तब से रेगुलर स्टार्ट किया मैंने आपको जाको बोला भी था कि लाइक मैम आप इतना दिन से मैं रिकॉर्डिंग से कर रहा था कि अभी मेरे को आपके क्लास मतलब रेगुलरली लेना है उसके बाद मैंने पढ़ाई की मतलब मुझे बहुत मेहनत करना पड़ा कि लाइक मेरे साथ जॉब भी चल रहा था उसके साथ मुझे मैनेज भी करना था तो काफी मुश्किल जर्नी था बट मैं एक टाइम फिक्स कर लेता कि मॉर्निंग में मैं आप 6 बजे क्लास लेते थे तो उसके पहले मैं 2 घंटे पढ़ लेता था कि मुझे 2 घंटे रिवीजन हो जाए अगर उठ के मेरे को नींद आता था लाइक मैं आपका DI वगैरह जो भी था आपका बुक से जो DI होते तो प्रीवियस ईयर का जो भी DI है पहले वो सॉल्व कर लेता था उसके बाद थोड़ा नींद खुल जाने के बाद थोड़ा रिवीजन वगैरह करके आपके क्लास 6 बजे से और 8 बजे से हमारा पेपर 2 का क्लास था तो काफी मुश्किल रूटीन था उसके बाद ऑफिस भी था और रात को आगे थोड़ा पढ़ना पड़ता था तो पहली बार तो नहीं हुआ पर इस बार मैम थैंक यू क्योंकि मैंने पेपर 1 बहुत अच्छे से पढ़ा था फिर भी मैंने बहुत सारे गलतियां की DI वगैरह तो मेरा एकदम वीक था क्योंकि पिछले बार जो है DI में मेरा 2 मार्क्स आए थे लाइक 1 क्वेश्चन सही होते और इस बार 5.5 क्वेश्चन सही हुए तो हो मतलब ये थैंक्स टू यू मैम मतलब बहुत अच्छे से पढ़ाया मतलब आपने काफी मेहनत की मतलब मेरे 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 लिए तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ आपसे कि लाइक क्या ही बताओ मैम अभी खुश भी हूँ काफी और मैं वेट कर रहा था कि कब आपसे मतलब आपसे फेस टू फेस बात हो पाए क्योंकि फोन में ही होता था रेज़ हैंड में आके
तो आप बता भी रहे थे कि हम जो प्राइम का मजा ले रहे हैं कि बेसिक क्लास क्लास में, बट मैम काफी सारे डाउट होते थे, तो मैम हम पूछ लेते थे कुछ भी हो जाए, आप गुस्सा होते थे फिर भी हम पूछ लेते थे। तो इससे मैम थैंकफुल कि आप मतलब फाइनली सपोर्ट की मतलब इतना टाइम तक, और बंगाल से हूँ मतलब हिंदी में थोड़ा प्रॉब्लम था कि हिंदी हिंदी टीचर है कैसे समझ में आएगा, बंगाल में बंगाली लैंग्वेज में मैं कंफर्टेबल हूँ, इतना प्रॉब्लम था, बट मैम सब कुछ सॉर्ट हो गया मतलब क्लास करते 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 करते, और लास्ट में ऐसा हो गया कि मैम आपके एक भी क्लास मतलब यूट्यूब भी होता है ना, मैं पेपर टू के क्लास छोड़ के आपके क्लास में जा रहा हूँ कि मुझे पेपर वन करना है और मैम से करना है। और मैम मतलब एक बुक है, मैंने उसके पहले काफी सारे बुक ली थी, मतलब मैंने बहुत सारे बुक परचेज करने के बाद नाम मैंने बताऊंगा, बट आपके बुक जब लिया ना उसमें इतना क्रिस्प कंटेंट था, मतलब सब कुछ उसमें दिया हुआ था। लाइक हमने एक चीज हम अभी भी याद है, लाइक लॉजिकल रीजनिंग में जो हम वेन डायग्राम करते हैं, आपने बताया कि वेन डायग्राम नहीं, सारे लोग को करवा जा रहे हैं कि लाइक वेन डायग्राम आप करो करो करो, तो मैम आपने बताया तो मुझे लगा कि मैम को कितना पता है, मतलब किसी को नहीं पता है, ये मैम को पता है, तो मुझे लगा सही है, कभी मतलब अभी कोई टीचर मुझे पढ़ा सकता है तो यही है। तो मैम थैंक यू मैम कि मेरा जेआरएफ हो गया, मतलब काफी कम टाइम में हुआ है, तो थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आई एम सो ग्रेटफुल, और इसी तरीके से बस लाइफ में आगे बढ़ते रहो। मेरे लिए बस आप लोगों का सक्सेस ही बहुत बड़ी चीज है, जब आप सक्सेस होते हो इसके बाद यस मैम, यस मैम, मैं तो बहुत दिन पहले से ही आपका स्टूडेंट हूँ, क्लास 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 का, और सबसे पहले मैं आपको बहुत ही दिल से धन्यवाद बताने चाहती हूँ कि आफ्टर टू अटेम्प्ट्स के बाद मेरा इस बार जेआरएफ हुआ है, और मैं हमेशा पेपर वन आपसे ही पढ़ती थी, और मैंने जो आपसे सीखी है कि अगर ट्राई करते रहे और अपने दिल से चाहते हैं तो उसको हासिल करना नामुमकिन नहीं है, हम जरूर कर पाएंगे। तो मैंने आपका जो पीडीएफ वाला था एंड आपका जो जो बुक है, मैं वो भी ली थी, वो भी पढ़ी थी, मैंने स्टार्ट की थी 2021 में, आपसे सब्सक्रिप्शन ली है, और उसके बाद 2021 का जो एक ईयर तब तो एग्जाम नहीं हुए थे, 2022 नवंबर में मेरा फर्स्ट नेट हुई थी, पेपर वन मेरा अच्छा रहा था, बट पेपर टू मेरा अच्छा नहीं हुआ, इसलिए वह तभी मैं जेआरएफ नहीं हो पाई थी, बस सिर्फ नेट हुई थी। उसके बाद मैं फिर से मार्च वाली एग्जाम में अटेम्प्ट की है, पेपर वन भी अच्छा हुआ था, फिर भी नहीं हो पाया, क्या करे, तो फिर से मैं आपका पीडीएफ वाला जो है वो अच्छे से पढ़ी है, उसके बाद जो पीओआईक्यू आपने जो नोट दी है हमेशा वो उसको बार बार प्रैक्टिस करती रहती थी, तो डी आई एंड अदर्स जो है कभी भी किसी कोई भी कंटेंट को कभी भी नहीं छोड़ी थी, क्योंकि हर एक कंटेंट इम्पोर्टेंट है, हर एक यूनिट इम्पोर्टेंट है, तो मैं उसके बाद इस बार भी अच्छा गया था, एंड पेपर टू पेपर वन दोनों भी अच्छा गया था, थोड़ा तो मिस्टेक हो ही गई थी, पता नहीं क्यों हुई थी, जब मैं आंसर की चेक की तो कैसे हो गया, गलती से नहीं है। और एक बात, बहुत सारे विशेषकर फर्स्ट पेपर जो है वो एग्जाम से पहले अगर आप 3-4 महीने कंटिन्यू मतलब उसकी प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस जो है वो मतलब फर्स्ट पेपर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बाकी सब्जेक्ट की नॉलेज तो आपको लगातार आपको सब्जेक्ट में टच रहकर और उसे मतलब जुड़ के ही रहना पड़ेगा, तभी आपको लॉन्ग टाइम मतलब जब तैयारी करेंगे तभी सब्जेक्ट आपका सक्सेस होगा। किंतु फर्स्ट पेपर के लिए आप अगर प्रैक्टिस करते हैं लगातार 3-4 महीने तो आप अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। यस, प्रैक्टिस एमसीक्यूज जितनी ज्यादा लगाए उतना ज्यादा ही बेटर होगा, इसलिए इनके मैंने अब डबल कर दिया प्रैक्टिस की शिफ्ट, रात को 9 बजे और रात को 10 बजे डबल डबल अब एमसीक्यूज करा रही हूँ मैं, ठीक है, पहले से रात को 10 बजे। जी मैम, और मैं और हेलो, हाँ जी, हाँ जी, और मैं ये चाहता हूँ कि आप जो फर्स्ट पेपर से संबंधित इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स होते हैं ना, जो मतलब काफी विद्यार्थियों के जैसे मेरे जैसे बैकग्राउंड से, जैसे हमारे इधर जेआरएफ के बारे में ज्यादा लोगों को नॉलेज भी नहीं है, जब मैंने स्टेटस लगाया तो लोगों ने पूछा क्या जॉब लग गई है आपकी, अच्छा। तो जॉब नहीं लगी, अभी बेरोजगारी हो, ऐसे लोग पूछ रहे थे। तो मतलब जो ऐसे टॉपिक है ना, जो जैसे मैथ है, इनके जो कमजोर रहते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन वगैरह, तो इनको मतलब आप अगर वैसे आप पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पर काफी, और फिर आगे भी आप और सपोर्ट करते रहे जिससे सेल्फ स्टडी करने वाले विद्यार्थियों को भी लाभ मिल सके। जी, आपका एक फीडबैक ही चाहिए होता है, आप डेफिनेटली बता सकते हो, मतलब मैथ्स और डेटा इंटरप्रिटेशन और लॉजिकल रीजनिंग है ना, जो कहीं पढ़ते ही नहीं है वो उसमें, तो इधर जी जी मैम, जैसे आपकी बुक परचेज करके प्रैक्टिस कर सकता है, और इसके अलावा जो टॉपिक जो टफ होते हैं, जो
तो उनकी वो मतलब YouTube पर जाकर हेल्प लेकर भी चाहे तो वो अपनी तैयारी सुचारू रूप से कर सकता है। ठीक है, जरूर आई विल इम्प्लीमेंट दिस, मैं इसको जरूर से इंक्लूड करूंगी इस बार, और मतलब MCQs के अलावा बीच बीच में भी वीडियो और डाला करूंगी श्योरली। जी 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 मैं एक बात बतानी चाहती हूँ, क्या मेरा मैंने PhD ज्वाइन कर ली है जादवपुर यूनिवर्सिटी में। हाँ मैम, केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। ग्रेट, और अब GRF भी हो गए तो हाँ आराम से स्टाइपेंड भी मिल जाएंगे अच्छे से। हाँ मैम, रेगुलर वाला किया ना उसमें मिलता है, रेगुलर किया होगा ना PhD एनरोल। यस 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 मैम, रेगुलर। ठीक है, ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो मतलब आपका डिसूजा जी, तो अभी आपका भी PhD चल रहा है ना, और आप साथ में पढ़ा रही हो क्या अभी भी? नहीं, अभी अभी मैं एक तो सब्जेक्ट ही पढ़ा रही हूँ इधर टीचिंग असिस्टेंट के जैसे, बट या पहले मैंने पढ़ाया है। इनफैक्ट मैम, इसके लिए आई एम सेइंग आउट ऑफ एक्सपीरियंस आल्सो दैट यू आर रियली वन ऑफ द बेस्ट, यू आर जेन्युइनली वन ऑफ द बेस्ट। इट्स नॉट एन आई रियली हैव हाई रिस्पेक्ट्स फॉर यू मैम, वेरी हाई रिस्पेक्ट्स फॉर यू। सो या, और आप हमेशा बोलते हैं ना, विच पीपल डोंट अंडरस्टैंड, बट once you work and once you're doing PhD, you understand the importance of understanding the concepts. Yes. आप हमेशा बोलते हो समझो, and that is what helped me. आज whether I got the JRF or not, पर वो concepts ऐसे बैठ गया है मन में, that it's, you know, it's like paper one you don't normally use. मैं commerce पढ़ाती हूँ, right? So paper one कभी use ही नहीं होता है, लेकिन now in conversations लोगों के साथ, वो दिन हम लोग वो यूनिवर्सिटी नालंदा के बारे में बात कर रहे थे, जस्ट जनरली, लेकिन वो जनरल नॉलेज भी मुझे लगता है अभी इतना बढ़ गया है आपको सुन के वो पेपर वन में, दैट इट्स सो कॉन्फिडेंट, मेरा मैथ्स में कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। सो या, दिस कैन रियली प्रैक्टिस DI मैथ्स एंड लॉजिक एंड गेट अ प्रॉपर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। हेलो, हाँ जी, थोड़ा सा आपका अटक रहा था बीच में। ठीक है, तो आपने कहा प्रैक्टिस करो और बेटर अंडरस्टैंडिंग। एम आई ऑडिबल मैम? कंसेप्चुअल, यस, राइट नाउ यू आर ऑडिबल। हाँ, प्रैक्टिस करो और कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, फिर रिपीटेड रिविजन्स, वो हमेशा आपका वो सुनती रहे, रिपीटेड रिविजन्स। ठीक है, एंड एग्जाम पे टाइम पे बस काम रहो, बस शांति से जाओ। आप बोलते हो ना, भगवान, अपने भगवान को याद करो और शांति से एग्जाम देके आओ। अगर मैंने तो मुझे कभी भी JRF, I wouldn't have known that I could get JRF. तो so हमेशा होप रखो कि that I will get JRF. Stop मत, just keep trying. And I love one more thing, ma'am. You always say love JRF. I think वो psychologically भी play करता है. Love JRF, JRF is mine. वो पीछे से it just plays, and I think वो भी एक बहुत बड़ा factor है to kind of push. So Shubham ji, anything you want to add for learners? मैम, बहुत मतलब बहुत थैंक यू कि आप मुझसे पूछ रहे हैं, लाइक और मुझे काफी खुशी है कि लाइक मैं JRF होके बोल पा रहा हूँ। पर एक चीज है कि लाइक मेरे घर में, मतलब मैंने पहले तो ये किया कि मैंने सारे घर में मुझे शांति चाहिए था कि मेरे को किसी से बात नहीं करना है, पढ़ना है। और मॉर्निंग में क्या होता है, मेरे सारे जो लोग हैं तो घर में मतलब बहुत मॉर्निंग में उठ जाते, तो मैंने क्या किया, छत में जैसे देख रहे हैं कि मैंने एक जगह बना लिया मेरे से कि उसमें जाके मेरे को शांत में पढ़ना है। तो मैं तो लर्नर्स को ये बोलूंगा कि एक जगह चूज कर लो कि एक टेबल होना चाहिए, जैसे मेरे में दिख रहा है कि मैंने पीछे में सारे नोट्स जो है उसको शॉर्ट शॉर्ट करके लगा दिया है कि लाइक मैं घूमते फिरते मैंने एक अलग जगह बना ली कि वो मेरा JRF का जगह है, उसमें जाऊंगा तो उसमें मैं JRF बना लूंगा। अच्छी जगह नहीं चाहिए, कहीं पे भी मिले बना लेता हूं कि उसमें कोई डिस्टर्ब नहीं होगा, कि मैं उसमें जाके लॉक कर दूंगा और उसमें पढ़ूंगा। और उसमें क्या है कि मेरा जो पेपर 2 है मैम, उसका सिलेबस काफी वास्ट है क्योंकि उसमें फैक्चुअल्स बहुत ज्यादा है, और मास कॉम का ऐसे कोई सिलेबस नहीं होता है कि ऐसे yes. पढ़ लिया, इतना पढ़ लिया, हो गया, नहीं होता है। मास कॉम में कहीं से भी पूछता है, आप रेगुलर पेपर भी पढ़ते हो उससे भी पूछता है, हिस्ट्री पार्ट से भी पूछता है, कहीं से भी पूछ लेता है। तो इसमें जो है पेपर 1 में स्कोर आना मेरे लिए काफी जरूरी है क्योंकि पेपर 2 में इतना भरोसा नहीं कर सकते। अच्छा स्कोर आ जाते हैं पर इतना भरोसा नहीं कर सकते, पेपर 2 अच्छा ही जाएगा। जैसे मेरा पेपर 2 काफी फैक्चुअल था, तो पेपर 1 में स्कोर लाना काफी जरूरी था। तो मैंने, मैम एक चीज मैं लर्नर को बोलना चाहती हूँ, काफी सारे लोग जो होता है पेपर 1 को बहुत लाइटली लेता है कि लाइक मैंने भी
फर्स्ट अटेम्प्ट में ऐसा किया था कि बहुत लाइटली ले लिया था कि पेपर वन हो तो हो ही जाएगा, क्या होगा, 10 यूनिट है, 5 क्वेश्चन आएंगे, अगर एक यूनिट छोड़ भी गए ना, लाइक मैंने ईवीएस छोड़ के चला गया कि इतना बड़ा है मैम, इतना क्लासेस लेते, मैं बोर्ड होकर छोड़ दिया। पर मैं लर्नर्स को यही बोलना चाहूंगा कि छोड़ना नहीं है, क्योंकि एक भी यूनिट छोड़े हो मैम, आपने बताया था कि लाइक 5 क्वेश्चन छोड़े और लाइक 10 मार्क्स छूट रहा है आपसे, तो 10 मार्क्स जिनको आज थोड़े 2-4 नंबर से छूट रहा है ना, उनको पता चलता है, जैसे मैंने 6 नंबर से छूटा था, तो 10 मार्क्स क्या होता है ना उस टाइम पे पता चलता है कि कितना वैल्यूएबल है वो, एक एक मार्क्स वैल्यूएबल होता है उसमें। कि इसलिए मैं बोलना चाहूंगा जो आपको पेपर वन में फोकस होना चाहिए, क्योंकि पेपर टू एक ऐसा चीज है ना, सबका तो एक बेस होता है, लाइक मैंने भी पढ़ा था, ग्रेजुएशन में पढ़ा था, मास्टर्स में पढ़ा था, तो एक बेस बना होता है, पर पेपर वन नया होता है हमेशा। कि हमको थोड़ा बहुत अच्छा, कि मैंने बोला था कि मैंने सीएस का बैकग्राउंड था, लाइक मेरा 12th में, तो मैंने आईसीटी, मैंने आपको भी मैम वो एक चीज सॉल्व नहीं हो रहा था, मैंने सॉल्व कर दिया था, और कम्युनिकेशन मेरा अच्छा था, क्योंकि कम्युनिकेशन में मतलब ये तो मेरा पेपर 2 का सब्जेक्ट है, पर बाकी जो यूनिट थे उसमें काफी वीक थे हम। तो मैम एक चीज आपने मेरे को सिखाई, लाइक हम अब हमारा मतलब हमारा क्लास का मतलब ये था कि हमको एक कल्चर बन गया था कि लाइक हम मॉर्निंग में जाके लाभ जेआरएफ उसमें लिखते थे, और हार्ड मॉर्निंग में आपको याद हो जाता था कि लाइक हमको जेआरएफ से प्यार है और हमको करना है ये, तो ये एक काफी ज्यादा मोटिवेशन है। और हमको क्या है कि देखिए मेरे को काम होता था, बट मैंने जो काम का डिस्क था ना उसके ऊपर भी मैंने फैक्चुअल्स लगा दिए थे कि लाइक याद होते रहे, ऐसे काम के टाइम पे मतलब पढ़ाई तो ऐसे हो नहीं पाता है, बट ऐसे ब्रेक ले रहे हैं ना तो भी अगर दिमाग में ऐसे सामने दिख रहा है कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये तो फैक्चुअल ये था काफी, जैसे कि आपका हायर एजुकेशन का जो टॉपिक है उसमें काफी फैक्चुअल है, वो काफी याद नहीं होगा। ये ईवीएस का जो टॉपिक है उसमें इतना इतना एक फॉर्मूला हो गया आपका, वाटर पोल्यूशन का अलग अलग ये हो गया, मतलब जो पढ़ा नहीं है हमने कभी, तो वो और पढ़ा भी थे वो कभी भूल भी गए, तो उसमें क्या होता है कि अगर आपने कहीं पे उसको लगा दिया, उसको लिख के लगा दिए हो, मतलब हर दिन पढ़ते 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 ना वो ऐसे ही याद हो जाते। और एक चीज आपको थैंक यू, जो कोई टीचर अब तक मैंने देखा नहीं जो है, आपने 10 बजे वाला क्लास है जो फ्री है, और उसमें क्या होता है मैम, ऑल इंडिया के जितना भी लर्नर है उसके साथ हमारा कम्पीट करने का मौका मिलता है, कि सब ओपन है। अब पोल में नंबर 1 आने का जो लड़ाई है, तो एक क्वेश्चन में मिस हो रहा है ना मैम, अगर थोड़ा 5 मिनट भी लेट हो गया, एक क्वेश्चन हो गया तो पोल से बाहर, और उसमें एक क्वेश्चन गलती होने में 10 से बाहर और पोल में नाम ही नहीं है, तो काफी बुरा लगता था। और कभी अगर 1-2-3 में आ गए तो मैम मतलब उसके बाद आप नाम भी लेते थे, मतलब तो लगता था क्या मतलब टॉप यहाँ पे टॉप तो हो गया, अब तो निकल गया वो भी कुछ भी हो, बट मतलब पहले तो होता था कि मेरा 500-600 में नाम आता था लाइक। उसके बाद अभी थोड़ा थोड़ा आगे आया, 10 में आया, उसके बाद मैंने एक दिन 1 नंबर पे मेरा नाम आ गया, और मेरे मतलब मैम आपने मेरा नाम लिया तो मेरे को लगा क्या भाई मैं तो टॉप कर गया, मतलब जेआरएफ तो हो गया, पर उसके बाद लगा कि ऐसे नहीं करना है, पूरा कंटिन्यूटी रखना है, थोड़ा हर क्लास को अटेंड करना है, उसको कंटिन्यूटी करना है। और उसके बाद क्या हो गया मैम, हर जो आपके सारे क्वेश्चन है ना वो याद हो गया मेरे को, मतलब आप तो PYQ पढ़ाते और इतना बार मैंने क्लास किया ना, वो मुझे हर क्वेश्चन का आंसर पता, मैं पढ़ता भी नहीं था लास्ट में क्वेश्चन, मुझे याद था कि इस क्वेश्चन का आंसर यही है, और काफी क्वेश्चन ऐसे डिवेलेबल थे मतलब मुझे लगता था कि नहीं होगा, तो और मैं आपसे डिबेट मतलब करता ही रहता था कि मैम ये आंसर चेंज कर दो, ये आंसर नहीं है, मैं आपने देखा भी था, मतलब काफी गुस्सा भी हो जाता था कि क्या भाई मैंने समझा दिया फिर भी लड़का बहस कर जा रहे, तो मतलब मैं करता रहता कि मुझे क्योंकि मुझे से मतलब वो आंसर शूट नहीं होता कि ये आंसर नहीं होना चाहिए कुछ भी हो जाए, तो मतलब मैंने बहुत कुछ सीखा मैम आपसे, मतलब काफी कुछ सीखा, मतलब काफी लॉन्ग जर्नी था, पर आपके जो नॉलेज है ना मैम, मैंने बहुत सारे क्लासेस ली पर इतना डिटेल्स में नॉलेज किसी के पास नहीं, सबको ऊपर से पता है बट डिटेल्स में जाने, मतलब मैं कम्युनिकेशन का स्टूडेंट हूँ, मतलब मेरा पेपर मतलब जो फर्स्ट अटेम्प्ट था उसमें मुझे लगता था कि कम्युनिकेशन तो मेरा मतलब मेरा टॉपिक है, उसमें कौन मेरे को पढ़ाएगा, सबसे ज्यादा मैं जानता हूँ, मैम को क्या पता है, बट मैंने जब आपका पूरा कोर्स कंप्लीट किया कम्युनिकेशन का, उसके बाद लगा कि भाई मैं कम्युनिकेशन से और मेरे को कुछ नहीं पता है, मेरे इतना पढ़ना है कम्युनिकेशन में, इतना मॉडल है, मैंने तो उससे कम मतलब उससे हाफ ही आधा मॉडल पढ़ा है, मतलब इतना मॉडल तो उसमें है और उसमें PYQ में क्वेश्चन भी आते, तो मैं पढ़ा ही नहीं, मतलब क्या है, मतलब इतना क्वेश्चन पेपर 2 में नहीं पढ़ा, पेपर 1 में आ रहा है, तो मतलब मैं अभी भी मैं पेपर 2 में अगर किसी को पढ़ाता हूँ मैं आपके नोट्स लेके जाता हूँ और उसमें पढ़ाता हूँ कि ये मॉडल से मैं, क्योंकि मेरे को भी मॉडल्स पढ़ाना पड़ता है, और मैं अभी भी मेरे को याद है कि आपके बुक हमेशा होता है, मैं आपके बुक से मॉडल पढ़ाता हूँ, क्योंकि पेपर 2 से आपके बुक अच्छा है उसमें, तो इसलिए मैम आप काफी मेहनत की है, मतलब ये बुक के ऊपर काफी मतलब काफी दिखता है मैम, ये डेफिनेटली दिखता है, इसके लिए थैंक यू मैम, आपके मास कम्युनिकेशन की शायद आपने सत्यम से पढ़ा हो, मेरा स्टूडेंट ही है वो। हाँ एग्जैक्टली, तो सत्यम करने आपको सत्यम मुझे मैं बोलता मैम मैं ना गूगल पे सर्च कर रहा था ये मॉडल आपकी वेबसाइट पे मिल गया, मैंने कहा वाह देख ली। Exactly.
ये होता मतलब हम मत कम्युनिकेशन वाले, बट आपको कम्युनिकेशन ज्यादा पता है मेरे से, मतलब हम तो क्या पढ़ते हैं, आप उससे ज्यादा डीपली पढ़ के बैठे हो ऑलरेडी। चलो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, अभी हमारे पास जस्ट 2 मिनट ही है तो हम रैप अप करते हैं। सो बहुत ही अच्छा आपके साथ लगा इस पर्टिकुलर मीटिंग में आकर, और काफी सारे लर्नर्स को सीखने को मिला होगा, तो डेफिनेटली मैं आपके लिए पूरी शिद्दत से लगी हुई हूँ। और आप भी अगर अच्छे से मुझे फॉलो करते हो ना, तो डेफिनेटली आपका जेरेफ हो जाएगा, चाहे आप फ्री क्लास और मेरी बुक्स के साथ पढ़ो या फिर आप प्लस क्लास के साथ पढ़ो। और उसके अंदर भी बच्चे बुक्स इसलिए लेते हैं क्योंकि पेपर बैक उनको पसंद होता है, अदरवाइज नोट्स प्लस क्लास में मिलते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, एंड आई विश, अब मैं आप सबको बस प्रोफेसर देखना चाहती हूँ, ठीक है, एंड अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, परमानेंट प्रोफेसर बनो, और क्या, अब दो दो बच्चे तो मेरे भी PhD कर ही रहे हैं, और आप दोनों भी जल्दी से जल्दी आगे अपनी जो रास्ता है उसको क्लियर कर लो और बेस्ट लग जाओ बस, और मेरे साथ जरूर डिस्कस करना कि अब मैं ये बन गया। जी थैंक यू, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू मैम, ऑल द बेस्ट मैम, आप हमेशा तरक्की करो। थैंक यू मैम, कभी भी टाइम मिलेंगे आपके क्लास में आ जाएंगे मैम, क्योंकि वो क्लास मिस करेंगे, बिल्कुल आएंगे, 10 बजे वाला क्लास मिस होगा। मैम कल भी मैं 6 बजे आ गया था कि जेरेफ हो गया, फिर भी मैम क्लास में आ गया था कि मजा आ रहा था, मिस करते हैं मैम आपको क्लास, आप आए थे रेज द हैंड में भी। अच्छा चलो, थैंक यू सो मच, एंड कीप ग्रोइंग, ड्रीम बिलीव, एक्ट एनर्जी, एक्ट एनर्जी मैम।